उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवालयों में भारी भीड़ देखी गई। वहीं शिव भक्त अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर भगवान शिव को प्रसन्न करते दिखे। जहां मंदिर के महंत संत शिवालयों में आए भक्तों से विशेष बात की और जानने का प्रयास किया आखिरकार हम शिवरात्रि क्यों मनाते तथा शिवरात्रि पर भगवान शिव के पूजन का क्या विशेष महत्व है। आज पूरे देश के अंदर महाशिवरात्रि का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिवालयों में भीड़ उमड़ चुकी है। कांवर लेकर आ रहे हैं और जल चढ़ाने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है और ये देर रात्रि तक चलने वाला है। शिव के अनन्य भक्त अपने अपने तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो सिद्धेश्वर महादेव के महंत मेरे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे आखिरकार इस महाशिवरात्रि को किस तरीके से वो देखते हैं और किस तरीके से भक्तों को पूजा अर्चना करके और भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए, किस तरीके से पूजा अर्चना उनकी करनी चाहिए। तो मैं सीधे तौर पर पंडित जी के पास लेके चलता हूँ। स्वागत है पंडित जी आपका। जिस तरीके से आज महाशिवरात्रि का पर्व है तो अनन्य भक्त हैं जो शिव के आज अपने अपने तरीके से सभी पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, तो आपके हिसाब से किस तरीके से पूजन करना चाहिए भगवान शिव का जिससे कि वो प्रसन्न हो। भगवान जी की पूजा होली चंदन चावल भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के बीच में वर्चस्व को लेकर युद्ध हुआ। फाल्गुन मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान नारायण ब्रह्मा जी के वर्चस्व को लेकर युद्ध हुआ, तब दोनों के बीच में एक लिंग प्रकट हुई। लिंग के दर्शन करके दोनों के मन में विचार आया, इस लिंग का प्रारंभ से अंत तक जो सबसे पहले दर्शन करेगा उसका पूजन सर्वप्रथम मनाया जाएगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी हंस स्वरूप में व नारायण सुगर रूप में पाताल आकाश व पाताल गमन करने के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा जी आकाश की ओर जा रहे थे तभी ऊपर की ओर से केतकी के फूल आ रहा था। तो ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से कहा, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो केतकी ने बोला कि मेरी तो उम्र निकल गई, पता नहीं कब से मैं आ रहा हूँ, अभी तक मैंने अंत नहीं पाया है। तो ब्रह्मा जी ने केतकी से झूठ बोलने के लिए कहा, केतकी को झूठ बोलने के लिए ब्रह्मा जी ने तैयार किया और नारायण के पास लेकर आए। केतकी जी को पूछा कि आपने देखा, ब्रह्मा जी ने कहाँ तक देखा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ तक प्रारंभ हुआ है। तो ब्रह्मा जी की नारायण ने भगवान ब्रह्मा जी की पूजा प्रारंभ की। उसी समय लिंग से प्रकट भोलेनाथ ने क्रोध भरे भैरव जी को प्रकट किया और उसको आज्ञा दी, जिस ब्रह्मा जी के मुख ने झूठ बोला है उस मुख को छिद्रित किया जाए। उसी दिन से यह कार्य शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। मेरे साथ पंडित जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से शिवरात्रि के महत्व को बताया और किस तरीके से भक्तों को पूजा अर्चना करनी चाहिए उसके बारे में बताया। अब हम कुछ भक्तों से बात करेंगे जो मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं कि किस तरीके का उत्साह है उनके अंदर और किस तरीके की पूजा अर्चना आज वो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर अब हम भक्तों के पास चलेंगे, शिवालयों में चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से भक्तों के अंदर उत्साह है इस महाशिवरात्रि को लेकर। जी आंटी जी, शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं और किस तरीके की पूजा अर्चना आप कर रहे हैं? पहली तो आज भोले बाबा का त्यौहार है जी, जो से आज से वो पार्वती एक अटूट बंधन में बंधे हुए एक दंपत्ति का उन्होंने संस्कार किया था, आज उनका विवाह हुआ था। उनके विवाह के पक्ष में हम लोग की प्रसन्नता और उनकी आगे दोनों संपत्ति की प्रसन्नता के लिए हम लोग भगवान शिव की और माँ पार्वती की पूजा करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। और इसमें सबसे ये भी आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि इसमें आप लोग भी सभी शामिल हों, बस इसी प्रसन्नता के लिए हम भगवान शिव की। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिभा कोष संघ संस्था खरसहन कला द्वारा आयोजित राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले प्रतिभा कोष प्रतियोगिता दिनांक 3 मार्च को रामवचन यादव स्मारक महाविद्यालय खुरासो फूलपुर आजमगढ़ में परीक्षा के पश्चात शिरोमणि रविदास जी प्रांगण पार्क में पुरस्कार वितरण समारोह सकुशल सम्पन्न हुआ, जिसमें कक्षा 6 से 12 बच्चों का प्रतिभागियों ने भाग लिया। वहीं इस प्रतियोगिता में SC/ST के बच्चों को निःशुल्क परीक्षाएं कराई जाती है तथा इस संस्था के संस्थापक ज्ञानचंद जी हैं। वहीं अध्यक्ष इंजीनियर सतीश चाइना, सचिव अनिरुद्ध कुमार, मुख्य डॉक्टर SK गौतम, आरोला आजमगढ़ आदि गणमान उपस्थित रहे। मैं अवसर दे रहा हूँ, मैं वही बता रहा था कि अभी हमने जो जीवन का पवित्र मापदंड ग्रहण किया, ये मापदंड बदलो बहुत ही
बहुत ही महत्वपूर्ण मापदंड है, इसे अपना करके आप ही अप्रमाणीय इस संगठन के अध्यक्ष महोदय श्री सतीश कुमार इंजीनियर साहब आप भी मंच पर विराजमान हो जाए। आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यह आपका अपना मंच है, आपका इस मंच पर स्वागत है। बंधुओं, ये जो आपने मापदंड अपनाया उसे मैं हिंदी में आप लोगों को ना बता करके परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में तथा पिछड़े शोषित दलित समाज में जन्मे अनेक संतों गुरुओं महापुरुषों को हम शीश नवाते हुए आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित परम श्रद्धेय सर्वजी मास्टर साहब व अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर एस के गौतम सर और पहलवान सर सतीश कुमार बौद्ध जी, संजय कुमार जी, मास्टर साहब आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति जिला महासचिव सुधीर कुमार बौद्ध जी और दीनदयाल बौद्ध जी, अमीन साहब, अमित अशोक कुमार बौद्ध जी, भीमहित जी संस्थापक, ज्ञानचंद जी, माननीय सतीश कुमार बौद्ध जी और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चंदारी सुमन जी, यहाँ उपस्थित चंदवान भाई और सफल संचालन कर रहे भाई बौद्ध जी तथा उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चे और माताएं बहनें, आप सभी लोगों को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले प्रतियोगिता 2019 में आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। साथियों, बातें ढेर सारी हुई, कहना बहुत कुछ शेष नहीं है और जिस माता राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले प्रतियोगिता के अवसर पर यहां आप सभी लोग अपना सभी लोग ऊपर गरिमामयी उपस्थिति दे रहे हैं, हम सभी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। साथियों, बाबा साहब के लिए हम दो शब्द कहना चाहेंगे, पैदा न होता मसीहा अगर तो ये खुशियों का सिलसिला न होता, पैदा न होता मसीहा अगर तो ये खुशियों का सिलसिला न होता, बेरंग रह जाती ये धरती आसमां का रंग नीला न होता, भारत तो कब का कंगाल हो गया होता यारो यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसा हीरा न पैदा हुआ होता। साथियों, उन्हीं की देन है ये जो गरिमामयी उपस्थिति, सबके सामने सूट बूट टाई बेल्ट या प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे आप लोगों के सामने बैठे हैं, यह परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है। नहीं तो आजादी से पहले जो अपने समाज की देनहीन स्थिति थी उसके बारे में ये कोई किसी से छुपा नहीं है, ये अपने लोगों को कोई अधिकार नहीं थे, ढेर सारे कोई अधिकार नहीं थे, जो ही अधिकार थे यह वो बड़ व्यवस्था में जो ब्राह्मण। इंडिया न्यूज के लिए परमानंद की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।